हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास होती है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज हमें पता नहीं होता है। पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के घर के आसपास होती है, लेकिन हम लोग कभी उस पर गौर नहीं करते हैं। किताबों में हम पढ़ते हैं, बट कभी देखा नहीं है, ठीक है? और देखा है तो उसे हमें जानते नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसी क्रम में मैं आज आप लोग को एक नया चीज़ कुछ दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इसके बारे में देखेंगे। वैसा तो आप लोगों ने थंबनेल्स को देख के पता ही कर लिया होगा कि किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों, वही मैं घर के बाहर ही अपने बैठा हूँ, ठीक है? बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं हूँ आपका दोस्त और बायोमेंटर अब्दुल मन्नान। तो मैं पहले चलो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा कि क्या है ये, ठीक है? देखो बच्चों, मैं आ गया घर के बाहर, और ये मेरे घर के पास में एक बाउंड्री है, दीवार है। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। इस दीवार में कुछ चीज़ें हैं, ये आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं शायद, दिख रहा है? हाँ, ये देखो, और दिखाता हूँ मैं पीछे आ जाऊँ थोड़ा सा। ये आपको थोड़ा हल्का सा ग्रीननेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये एक दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों? तो इसी के बारे में मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना है क्या है। हाँ, तो बच्चों, ये है आपका लाइकन्स। जैसा कि हम लोग के 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है लाइकन्स के बारे में, ये एक परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका अलगी और फंजाइज के बीच में, जिसमें मेजोरिटीज पार्ट होता है आपका अलगल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका, इसमें अलगल पार्टनर थोड़ा ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे जैसे दिख रहा है व्हाइट, दैट मीन्स इसमें फंगल पार्टनर ज़्यादा है। जो फंगल पार्टनर होता है उसको हम लोग माइकोबायोन्स कहते हैं, और जो अलगल पार्टनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फाइकोबायोन्स कहते हैं, ठीक है? माइकोबायोन्स कहा जाता है। अब ये पर्टिकुलरली जो मैं लाइकन्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्रस्टोस टाइप्स का है। वैसे तो लाइकन्स देखो बच्चों सॉइल रॉक्स या ट्री बार्क्स वुड्स कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, और पर्टिकुलरली जैसे ये ईंट है, ब्रिक्स है, तो इसको हम लोग रॉक ही मान के चल रहे हैं। तो अगर ये रॉक्स पे ग्रो कर रहा है तो दैट मीन्स ये सेक्सिकोलस टाइप्स का लाइकन्स है, ठीक है ना? हाँ, अब लाइकन्स बोला तीन तरह का होता है बच्चों। इसमें आपका फ्रुक्टोज है, ठीक है ना, सॉरी फ्रुक्टोज है, ठीक है, उसके बाद फोलियोज है और क्रस्टोज वगैरह, ये दो तीन तरह का होता है। तो ये पर्टिकुलरली कैसा आपका क्रस्टोज टाइप का लाइकन्स है, ठीक है ना? क्रस्टोज ध्यान में रखना, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर्स पे ग्रो करता है, और इसमें एक मतलब मल्टीपल आपका अटैचमेंट साइट होता है, ठीक है? जैसे क्रस्टोज में आपका ग्राफिस है, लैकुनेरा है, ठीक है ना, डर्मेटोकार्पन्स होता है, ये सब कुछ इसमें एडिबल होते हैं। इसको डर्मेटोकार्पन्स को बेसिकली स्टोन मशरूम कहते हैं, जो कि एडिबल होता है, ठीक है? लेकिन ये तो एडिबल नहीं है, ठीक है ना, इसे एडिबल हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है? इसके अलावा फोलियोज, जिसमें आपका एक परिमेलेला पढ़ना है, उसके अलावा फ्रुक्टोज जैसे बता रहा था, क्लेडो निया या अस्नियास, दो तीन इसमें एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है बच्चों। तो देखा आप लोगों ने कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के आसपास ही हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। तो ये मेरे घर के जस्ट पास था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा के आपके नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों? पर्टिकुलरली मैं अपने इस चैनल पर आपके बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी या एनसीईआरटी बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो जिनको इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल अभी मेरे चैनल पे पर्टिकुलरली आपका जो फुल लेसन मैंने कंप्लीट कर रखा है, एनाटोमी है आपका, एनिमल किंगडम है, लिविंग वर्ड है, ठीक है? उसके बाद ऑलमोस्ट इसमें आपका बच्चों बॉडी फ्लूड वगैरह ये सब कंप्लीट करके रखा है। तो उसको देखना हो तो आप लोग उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट है, उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलो मिलते हैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।